हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है यूट्यूब पावर हैकर्स। आज हम आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले हमने पिछले वीडियो में आपको दो क्वेश्चंस पूछे थे और हमने कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आंसर्स देंगे। तो उसमें से एक आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि भाई आसमान में सूरज जो है, यानी कि स्पेस में जो सन है, वो कैसे जल रहा है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो जैसे कि उस वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन जहाँ सूर्य है, जहाँ वहाँ पे तो स्पेस है, स्पेस मतलब कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो सूरज कैसे जल रहा है? तो उसका सीधा सा कारण है कि सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जल रहा है। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो आप न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं और डिटेल में विस्तार में उस पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अगला, और जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर हम इस वीडियो के अंत में देंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। यह वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, कृपया इसे घर, स्कूल या कहीं पर भी दोहराने का प्रयत्न न करें। इस वीडियो को शूट करते वक्त सारी सावधानी बरती गई है, किसी भी प्राणी को इस वीडियो के दौरान हानि नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, ये है पेट्रोल और ये है हमारे पास थर्माकोल। तो हम थर्माकोल को पेट्रोल में डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये पेट्रोल को हमने इसमें डाला, अब हम एक एक करके थर्माकोल को इसमें डालेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं थर्माकोल जो है वो पेट्रोल के अंदर पूरी तरह से पिघल जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है। ये देखिए, मानो जैसे पेट्रोल थर्माकोल को खा जा रहा है। ये देखो, पूरा थर्माकोल खा गया। तो आपने देखा थर्माकोल के अंदर पेट्रोल जो है, तो आपने देखा पेट्रोल के अंदर थर्माकोल पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है और एक वाइट कलर का सब्सटेंस बन रहा है, जो आप देख सकते हैं एक वाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ बन रहा है इसके अंदर। आपको हम दिखा देंगे, ये देखिए एक वाइट कलर का पदार्थ बन रहा है थर्माकोल की वजह से। दोस्तों, अब इस पूरे थर्माकोल पर हम पेट्रोल स्प्रे करने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है और किस तरह से ये वापस से गलता है। चल, तो आइए स्प्रे करते हैं हम थर्माकोल पे पेट्रोल। चलो पूरा पेट्रोल डाल ही देते हैं, क्या होता है। बोतल खोलकर पेट्रोल डालते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरी तरह से ये जल रहा है।
थर्माकोल और पेट्रोल के कारण देखिए ये पूरा चिपचिपा पदार्थ जो मैंने आपको बताया था एक तरह से गम बन चुका है। गम जो गोंद हम उपयोग करते हैं चिपकाने के लिए, इस तरह से एक गम यहाँ पे तैयार हो गया है। इसको हम पेपर वगैरह चिपकाने के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब इसके अंदर हम आग लगा के देखते हैं कि जलता है कि नहीं। ये था एक्सपेरिमेंट थर्माकोल का पेट्रोल के साथ। और ये एक्सपेरिमेंट जो आपने देखा, इसमें जो वाइट कलर का पदार्थ जो बना था वो एक टाइप का गम था, ठीक है, जो कि लगभग फेविकोल की तरह है, क्योंकि वो ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथों पे लगा हुआ है ये फेविकोल की तरह छूट रहा है। पेट्रोल के अंदर जो थर्माकोल है वो कैसे डिजोल्व हो गया, देखो पेट्रोल जो है वो गैसोलीन है, ठीक है, यानी ये कार्बनिक पदार्थ है एक, और जो थर्माकोल भी है वो भी कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है, दोनों ही कार्बनिक कंपाउंड है, जिसमें थर्माकोल जो है वो बेंजीन है, ठीक है। तो जब हम थर्माकोल को पेट्रोल के अंदर डालते हैं तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, जिसके कारण जो थर्माकोल है वो पेट्रोल के अंदर डिजोल्व हो जाता है। तो गैसोलीन की जो भी चीज़ें होंगी जैसे कि पेट्रोल डीजल, इनके अंदर हम थर्माकोल को डालेंगे तो थर्माकोल इसी तरह से डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। और अब बारी आती है आपके पिछले वीडियो के क्वेश्चन के आंसर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया था वो था बोतल वाला, बोतल के अंदर चौक गया कि नहीं गया, आपने चेक किया, ठीक है, कोई बात नहीं, तो नॉर्मल सी बात है उसके अंदर चौक नहीं गया होगा। अब इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, तो चलिए देखते हैं साइंटिफिक रीजन क्या है। मान लीजिए ये ग्लास जो है ये बोतल है, ठीक है, अब इसके अंदर मैं हवा डाल रहा हूँ यानी पानी डाल रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, पानी बाहर गिर रहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट में आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। तो फ्रेंड जैसे देखा आपने ग्लास में पहले से पानी भरा हुआ था, उसमें और पानी डाले तो क्या हुआ, पानी बाहर गिरा। तो यही चीज़ उस बोतल के साथ हो रहा था, बोतल के अंदर ऑलरेडी हवा भरी हुई थी, ठीक है, हम ढक्कन खोल रखे थे, हवा उसके अंदर ऑलरेडी पहले से थी, और चौक जब हमने अंदर उस पर रखा और जब हम फूंक मार रहे यानी हवा और अंदर डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, अंदर जो हवा थी वो बाहर आ रही है और चौक को बाहर फेंक दे रही है। तो ये था दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आंसर सुनिए कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास ऐसे ही कोई खुराफाती आइडियाज़ हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम वो एक्सपेरिमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स में हमारे वीडियोस को शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, और जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।